नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान दो गुटों में जमकर हुई है मारपीट। दरअसल कांवड़ यात्रा एक विशेष समुदाय के बस्ती से गुजर रहा था। कांवड़ यात्री अपने धुन में डीजे बजाते हुए नाचते गाते हुए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक विशेष समुदाय उन कांवड़ यात्रियों पर हमला कर देता है। राजस्थान के टोंक जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान दो गुटों में हुई जमकर मारपीट। दरअसल कांवड़ यात्रा एक विशेष समुदाय के बस्ती से गुजर रहा था। कांवड़ यात्री डीजे के धुन पर नाच रहे, मगर तभी एक विशेष समुदाय ने कांवड़ यात्रियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में कई कांवड़िए घायल भी हुए हैं। इस घटना के बाद पुलिस पर भी कई सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि जो वीडियो सामने आई थी उसमें पुलिस वाले भी भागते हुए नजर आए थे। पुलिस अधीक्षक गोवर्धन सोकरिया ने बताया कि बिसलपुर से मालपुरा की तरफ कांवड़ यात्री जा रहे थे। कांवड़ियों पर हमला मालपुरा के बस्ती से गुजरने के दौरान हुआ। हालांकि जिस समय कांवड़ियों पर हमला हुआ, वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और सवालिया निशान पुलिस पर भी उठे, क्योंकि पुलिस भी वीडियो में भागते हुए देखी गई है। हालांकि इस घटना में 15 कांवड़ियों के घायल होने की खबर है। उत्तेजित लोगों ने एक कार को भी आग के हवाले कर दिया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम जैसी हालात उत्पन्न कर दी, जिसके बाद धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि शहर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं सुरक्षा के लिहाज से। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।